हेलो यूट्यूब, आज जो हम स्टिच बना रहे हैं वो बहुत इजी स्टिच है और ये फ्लावर्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखें, जैसे ये मैंने बनाया है ऑलरेडी, तो इसमें क्या है कि बहुत सिंपल है। आप पहले ये इस तरह से निशान लगा लें ऐसे, इस तरह से इसकी पत्तियां बन जाती हैं। आप इसको जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अगर छोटा बनाने चाहती हैं, चाहिए आपको कि छोटा फूल हो, तो फिर उतना ही छोटा भी आप कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये पहले आपने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से आपने नीडल्स निकाल ली, ये देखिए ऐसे, फिर इसे आपने ऊपर उठाया, ये नीचे किया, एक को ऊपर उठाएं, एक नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे ऐसे। अब दोबारा से जब जैसे आपने इसे नीचे किया है, ये वाला नीचे है, तो इसके इस धागे के नीचे से आपने सुई गुजारनी है यूँ ऐसे, और ये ऊपर उठ जाएगा। फिर ये ऊपर उठेगा तो जो पहले हमने ऊपर उठाया था वो नीचे हो दब जाएगा यूँ ऐसे। आपने नीचे कपड़े में सुई नहीं लेके जानी, आपने जस्ट धागों की साइडों पे ही रहना है ऐसे। और फिर यूँ जैसे ये ऊपर उठाया, ठीक है, ये अब नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, ये अगला फिर नीचे हो गया, फिर अगला ऊपर आ गया और यूँ। और ये लास्ट वाला जो है, इसके फिर नीचे से हमने यूँ किया ताकि ये ऊपर हो जाए और वो जैसे उनकी टर्न चेंज होती जाए। फिर इसमें आप कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी कलर का भी, या अगर आप डिफरेंट कलर का करना चाहते हैं कि आप का है कि हाफ़ आप एक कलर की बनाएं, हाफ़ दूसरे कलर की बनाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं काफ़ी बड़ी बना के आपको दिखा रही हूँ, बड़ा फूल है ये। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा कर लें, और ये बहुत इजी बन जाता है। ये आप किसी भी धागे के साथ, जैसे आप वूल के साथ भी बना सकते हैं, आप कॉटन का धागा ले सकते हैं, आप सिल्क का धागा ले सकते हैं, मल्टी कलर में ले लें, आप तिल्ले के साथ बना सकते हैं, मतलब कोई भी जो जिसके साथ भी आपका दिल चाहे आप बना लें। और कपड़ा भी कोई इसके लिए ख़ास नहीं है कि स्पेशल इसी कपड़े के ऊपर बनेगा, आप हर तरह के कपड़े के ऊपर, हर तरह के स्टफ़ के ऊपर बना सकते हैं, कोई सा भी मटेरियल हो, वो शेफून हो, वो कॉटन हो, वो वूल हो, वो कुछ भी हो। जस्ट ये कि आपको ट्रिक आना चाहिए।
अब ये देखें, ये वाला हम क्लोज कर रहे हैं, तो क्या है कि ये देखें, अब यहां तक ये पूरा हो गया, अब नेक्स्ट अगला शुरू हो गया। बस ये ख्याल रखना है कि आपको याद रहे कि कौन सा आपने पहले ऊपर उठाया है और कौन सा बाद में, कौन सा नीचे है धागा और कौन सा ऊपर है। वैसे तो देखने में भी आपको पता चलेगा कि अब धागा इसके नीचे से जो धागा गुजर रहा है और अब उसके ऊपर से गुजर रहा है। ये बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी बनने वाला फूल है। अब ये देखें, ये इसकी ये दूसरा भी फिनिश हो गया। अब क्या करना है हमने कि अब ये दो ही रह गए हैं, तो अब एक को उठाया फिर ऐसे, सेम वही है कि कौन सा ऊपर है, एक दफ़ा ऊपर और दूसरा नीचे। ये देखें ऐसे, ये नीचे है। अब आपने इसके नीचे से यूं सुई गुजारी तो ये सेंटर में ऐसे आ गई, अब फिर इसके नीचे से यूं गुजारे हैं आप, ये हमारा फूल कंप्लीट हो गया। अब इसे सेंटर, ये जो सेंटर वाली जगह है इसमें आप अगर चाहें तो शीशा लगा लें, अगर चाहें तो इसे फ्रेंच नॉट के साथ आप भर लें, अगर चाहें तो इसको कोई भी मोतियों के साथ भर लें, जिस तरह से भी आपका दिल चाहता है तो आप वही स्टिच यूज़ कर लें या मोती लगा लें या बीड्स लगा लें। तो ये था हमारा आज का स्टिच, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।